नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। आज नरेंद्र मोदी नई नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में 17 देशों के राजदूत समेत कई इंटरनेशनल गेस्ट भी मौजूद थे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं था। ये एक इंडिया के लिए ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट रहा जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ गोल्डन एरा ऑफ इंडिया है। नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो बात की कि नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है। One thing is education. As our address, yes. Say one literacy rate is higher than Pakistan. और इस वजह से वो लोग तरक्की कर रहे हैं। Number one, primary education. बच्चा ऐसा तैयार करो कि दुनिया देखे। प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे जो पाकिस्तान में जो सिचुएशन है और ग्लोबली पाकिस्तानियों की क्या रिप्रेजेंटेशन है। अब ये आप अंदाजा लगा लें कि आप उस वो जो ऐसा आपको टीका लगा डॉलरों का, आप वो इस तरीके से दहशतगर्दी दुनिया में आपने बेची कि दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर कारोबार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, कल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के नालंदा शहर में स्थित नए बनाए गए नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया और उसके साथ ही साथ मोदी जी ने जो बातें कही उद्घाटन के दौरान वो सुनने वाली है और समझने वाली है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय इतिहास का वह अमिट पार्ट है जिसको हम अभी तक किताबों में नालंदा के खंडर के नाम से पढ़ते आए हैं। वह भारतीय इतिहास का एक गौरव और स्वर्णिम युग को दर्शाता है और यह इस बात का जीता जाता उदाहरण है कि क्यों भारत को सदियों से ज्ञान का केंद्र समझा जाता रहा है। और जब नालंदा यूनिवर्सिटी नष्ट की गई थी तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत के उस ज्ञान को, उस कल्चर को, उस परंपरा को नष्ट करने की कोशिश की गई थी। और नालंदा के बचे उस अवशेष खंडहर को जो सदियों से यूं ही पड़ा था, उसके साथ ही एक नए आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से महाकैंपस तैयार की गई है। बताया जाता है कि उसके अंदर ऑलरेडी इसमें 17 देशों के 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। उसी कैंपस का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। किताबों को तो आग लगाई जा सकती है, लेकिन इल्म को, नॉलेज को आग नहीं लगाई जा सकती। यह कहना था भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के इनॉग्रेशन के मौके पर। यह एक हिस्टोरिक मोमेंट था जिसको 17 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव में शामिल हुए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं था। ये एक इंडिया के लिए ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट रहा जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ गोल्डन एरा ऑफ इंडिया है। नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो बात की कि नॉलेज को आग नहीं लगाई जा सकती, उसकी वजह यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को आग लगाई गई थी और 90 लाख किताबें जलकर राख हो गई थी। 3 महीने तक
नालंदा यूनिवर्सिटी की वो लाइब्रेरी जो कि 3-स्टोरी लाइब्रेरी थी वो जलती रही थी, और हिस्टोरियंस जिसमें चाइनीज, जापानीज, साउथ एशियन, मुस्लिम हिस्टोरियंस शामिल हैं जिन्होंने अपनी किताबों में ये पूरी दास्तान लिखी है। तो जो नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात की कि किताबों को आग लगाई जा सकती है, नॉलेज को आग नहीं लगाई जा सकती, उनका इशारा इसी की तरफ था। क्यों आखिर इतनी अहमियत की हामिल है ये यूनिवर्सिटी? क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की वो कदीम यूनिवर्सिटी कही जाती है कि जो ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज से भी 400-500 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस जिसको इनॉग्रेट किया गया है उसको दुनिया का नॉलेज हब बनाया जाएगा, मोदी साहब ने ये कहा है इसके अंदर। इस नालंदा यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में दुनिया भर के स्टूडेंट्स वहां पर रिहाइश इख्तियार करेंगे और वहां पर पढ़ने के लिए आया करेंगे। तो इससे पता ये चलता है कि प्लान क्या है, क्योंकि नालंदा का इनॉग्रेट करना उसको उसका मकसद और उसका मतलब ही है कि वो यूनिवर्सिटी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कदीम यूनिवर्सिटी कही जाती है उसको अगर आप दोबारा से रेनोवेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसको आप वैसा ही देखना चाहते हैं पहले की तरह। अच्छा, अब इसमें जो है सबसे एक बड़ी अहम बात जो इसके अंदर है कि देखिए ये जब इसका इनॉग्रेशन हुआ तो उसमें डॉक्टर जयशंकर भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी स्पीच की, तो उसी के साथ वहां पर 17 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स सामने बैठे हुए थे। और इसको इस तरीके से स्टार्ट करने में कई एक कंट्रीज जुटे हुए थे और वो भारत के साथ थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स दुनिया के शामिल थे। देखिए ये कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, कितनी बदकिस्मती की बात है या कितनी गलत बात है कि उसमें पाकिस्तान जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो कि उसी एरिया से है वो कंट्री, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं था। नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में हमारे साथी देशों की भागीदारी भी रही है। मैं इस अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार के लोगों को भी बधाई देता हूं। हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर यही भारत की सोच रही है, विचार देती है।